गली में तुम्हारा इंतजार है। शादी के लिए एक लड़की पसंद कर ली है तुमने और अब तुम चाहते हो कि हिमाकत में हम सब तुम्हारा साथ दें, है ना? हाँ, यहाँ तक तो आ गई बात समझ। शुक्रिया। अब सिर्फ अब्बा को राजी करना कि वो रिश्ता लेकर उनके घर जाए। अरे भाई, नया चलन है, थम जाओ। हम लोग ठहरे पुराने लोग, अच्छे तरीके से छान फटक के बाद जवाब देंगे। वैसे नाम है क्या तुम्हारे उनका? फिरदौस। एकेडमी तो मैं कभी नहीं भेजूंगी। किस्म किस्म के लौंडे आते हैं वहां, उससे तो अच्छा है किसी एक को घर आने की इजाजत दे दो। कौन? वही हसीना के किराएदारों का छोटा बेटा। आज करती हूँ उससे बात। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। एकेडमी तो मैं कभी नहीं भेजूंगी, उससे तो अच्छा है किसी एक को घर आने की इजाजत दे। आज करती हूँ उससे बात। इस पल कहीं चल चले, मन का हाथ थामे, बसती हो खुशबू जहाँ, लगो तो हूबहू खिले मुझ में रंग तेरे, याद है सबको। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम, जिंदगी रहो। परी आ गई तो? चल चल, क्या देख रही है? कुछ भी नहीं, तू चल। एक मिनट रुकना, वो दोनों आ रही हैं। आ गए। मम्मी और रानी भी साथ जाएंगी? हाँ। पहले बोलती ना, मैं तो कभी ना जाऊँ इनके साथ। कर रही है, सुन लेंगी वो। सुनती हैं तो सुनती रहे। मैं घर जा रही हूँ, तू जा अपनी नई सहेलियों के साथ। जो यहाँ मेरी सहेली तो तू है ना, उनको तो मतलब के लिए बुलाया था। तुझे पता है ये रानी है ना, इसके पप्पा की दुकान है तारिक रोड पे, तुझे सस्ते रेट में कपड़े मिलेंगे। और ये जो मुन्नी है ना, इसके मंगेतर की फ्रूट चाट है बहादराबाद पे, फ्री में खाएंगे, चल ना। हाय। हाय। हेलो। अरे तुम सर पे दुपट्टा ओढ़ो, तुम्हारी शादी होने वाली है। हाँ। अगर तुम्हारे ससुराल से कोई टकरा गया, वो तो बोलेंगे लड़की नंगे सर तारों में घूमती फिरती है। हाँ, अभी मैंने मंगनी टूटते देखी है। अल्लाह किसकी? सबसे पहले तो तुम अपना नंबर बदलो। हाँ सही कह रही है, मैं सिम तोड़ देती हूँ। तो उल्टा सीधा मैसेज आ गया ना, तो तुम्हें खैर नहीं। तौबा तौबा। रिक्शा पकड़ भैया, चल चलो चलो। अरे ये कौन बैठ गई? आ जाओ आओ। कैसे जाएंगे सब इतने सारे रिक्शे में? दूसरा डाल के बैठ ना। अरे आओ आओ, तुम इधर बीच में आके बैठो ना। बीच सारा दुपट्टा खराब हो गया, सिलवटे पड़ गए सारे दुपट्टे के ऊपर। अरे मैं बोल रही हूँ बीच में आओ, इधर जगह है। कोई बात, तू आगे हो जा ना, तू पीछे हो जा। अल्लाह तुम दुपट्टा ठीक कर। इजी लोड हो जाते जी। हाँ अच्छा, वो स्नूकर के साथ चले, मेहरबानी। एक मिनट भाई साहब, जरा रुकिए। भाई साहब, वाह जी वाह। जी जी फरमाएं जी। वो क्या नाम है आपके आपके लड़के का? हमजा। कोई उधार तो नहीं ले गया? देखे बहन जी, चाहे वो मेरी औलाद है, लेकिन लेन देन अपना अपना। माशाल्लाह अच्छी खासी कमाई करता है, अपना उधार खुद उतारेगा। नहीं नहीं, उधार तो मैं रखती नहीं हूँ दुकान पे, कोई और बात करनी थी। वो मैंने अपनी अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी उससे। बेटी के बारे में? हमसा की बात? ओह ठीक है बहन जी, लेकिन ये बातें इस तरह चौक चौराहों में ऐसे तो नहीं होती ना जी।
आप शाम को हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाएं, चाय शाय पियेंगे, फिर इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे। घर आऊं? ओ हाँ जी बिल्कुल, सौ बिस्मिल्ला जी, मिल बैठ के तय कर लेंगे। अच्छा आ जाऊंगी, वैसे जरा सी बात थी यहीं पे हो जाती, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। हाँ शावा भाई शावा, ऐसा मतलब है कुड़ी दी मां आ रही है। ओए अब्बा जी, वैसे मैं ये सोच रहा था कि ये कोई पुट्ठा साहब नहीं है भैया, असूलन तो हमें जाना चाहिए था लड़की को देखने के लिए, इधर लड़की की मां आ रही है, ये क्या असूल हुआ? ओ मिट्टी पाओ असूलों से, जमाना बदल गया है, पुराने असूलों पे चलते रहे वोटी ने नहीं आना फिर इस कारिच। अब्बा जी मैं सोच रहा हूँ कि हसीना को बुला लेते हैं इधर, दरखास्त करते हैं उसको कि आ जाओ, हमारे घर में तो कोई औरत है नहीं, चलो कोई तो हो जो हमारी तरफ से उनसे बात कर सके, और वैसे भी मुझे लगता है उनका पुराना ताल्लुक है। नहीं नहीं रहन, अगर इतने ताल्लुकात के बावजूद उन्होंने हसीना को बीच में नहीं डाला तो हमें क्या जरूरत है विचोलन बनाने की? ओ, है तो वो विचोलन ही, उसने को हमारा लिहाज थोड़ा करना है कि भी मेरे पड़ोसी हैं, उसने तो कहना है इधर फीस रखे हैं। आप सही कह रहे हैं, मुफ्त का रिश्ता आ रहा है, क्या जरूरत है खर्चा करने की? वो फिर खर्चा, एक तो खर्चा बड़ा करना है तू। लड़की देखने में कैसी है? अब्बा जी मैंने ऐसे गौर से तो नहीं देखी है, बस आते जाते ही देखी है, मगर हमें उसकी शक्लो सूरत से क्या भाई, हम तो चाहते हैं कि बस बॉटी घर में आए, बहू आए हमारी। और नहीं पुत्र है, हमें अपने नहीं हमजा का सोचना है, लड़की का मुंह मथा चंगा होना चाहिए रहा है। माँ कैसी देखने? माँ बस ठीक ही है। अल्लाह करे फूफी खाला इन्हें दे गई हुए हो। अल्लाह जाने, अब फूफी खाला तो हमने नहीं देखी, पता लगे वो असलों ही रही। ओ यार तू गुस्सा कितना पाम, तू बिस्कुट पेस्ट्रियां को पेस्ट्रियां वेस्ट्रियां मैंने नहीं लेके आनी अब्बा जी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, बिस्कुट ले आता हूँ, साथ में ले आता हूँ समोसे, समोसे भी इतने महंगे हो गए हैं। वो जा महंगे हो गए हैं, मेरे को लो ले नहीं पैसे, जा लो दो पैसे। हर चीज में खर्चा करवाते रहते हैं आप, हर चीज में खर्चा, हर चीज में खर्चा। मेरी तो पसलियां ही रह गई हैं, इतना उठा उठा के मारा है इसने रक्षा। तेरी पसलियां है कहाँ, सारी जगह घेर के बैठी हुई थी। वापसी में दो रिक्शे ले लेते हैं, मैंने जाने वाली ऐसे ठूस के सारे कपड़े बर्बाद हो गए। बताएं भाई कितने हुए? 150। अरे 150 किस बात के? हम रोज आते हैं भाई, 80 रुपए ही देंगे। अरे महंगाई का हमने क्या करना है, छोटा सा तो रास्ता है, बस 80 रुपए लो, बात खत्म करो। अरे भाई 100 ले ले, वरना ये पैसे नहीं देने वाली आपको, ले ले चलो 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 120 ले ले।
आपका अपना घर है, आ जाए आए। अब्बा जी आजी आजी, और मेहमान आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जिंदे रहे पुत्री, जिंदे रहे। बिस्मिल्लाह जी, तशरीफ रखें तुम। दरअसल जाती तौर पे मुझे मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन वो बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है तो मैंने सोचा खुद ही हाजिर। अरे जी नहीं, वेलकम जी वेलकम। चंगा किया आपने, बहुत अच्छा किया। और देखो ना जी, वो चाय ले गया। नहीं 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 नहीं, चाय की जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, चाय तो पीनी पड़ेगी। दरअसल हमारे घर में कोई खतून नहीं है तो चाय मैं ही बनाता हूँ। मैं बना के लाया। नहीं नहीं, फिर तो आप रहने दे। ऐसे बन गए। नहीं आप रहने दे, क्योंकि मुझे आप ही से बात करनी है, आपका होना जरूरी है। ओ जी, बात करे आप, अभी मैं जिंदा हूँ जी, बड़ा हूँ इस घर का, सारे फैसले मैं करता हूँ। अब्बा जी करते हैं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ दरअसल मैंने सुना आपका आपका पोता ट्यूशन पढ़ाता है। ओ नहीं जी, नहीं नहीं। ट्यूशन को ऐसे नहीं कि कोई पक्का पुक्का काम है, वैसे नहीं, वो तो एम ही शौकिया पढ़ाता है, तो वैसे उसकी नौकरी पक्की है, मजबूत। हाँ जी एम ही पढ़ाता है, आरे लगा रहे। देखो ना बेटा, आप मुंडे खुंडे आवारागर्दी करें तो कुछ अच्छा नहीं लगता ना। ये बात बेहतर है, बेहतर रहेगा, उनका ध्यान कहीं और लगा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बीवी आ जाएगी, छोड़ देगा ट्यूशन। बिल्कुल नहीं, लेकिन छोड़ने की क्या जरूरत है, मतलब ट्यूशन तो अच्छी आमदनी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कहेंगी तो नहीं छोड़ेगा। अच्छा दरअसल मेरी बेटी जो है वो एफए के पर्चे देने वाली है। दरअसल ना वो पढ़ाई में जरा कमजोर है, उसका दिमाग अपनी खाला पे चला गया है, मुझे तो डर है इस साल रह ही ना जाए। ठीक है मुस्कुरा, लड़कियों ने पढ़ के करना भी क्या। नहीं नहीं, लड़कियों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, मतलब आज की दुनिया में तो औरत को अपने कदमों पे खड़ा होना चाहिए ना, डिग्री होनी चाहिए पास, ताकि अच्छे बुरे वक्त में काम आए। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। अब्बा जी अब वो जमाना नहीं रहा कि एक कमाए और छह खाए, मियां बीवी रल मिल के कमाते हैं। सही जैसे आप कहें। अच्छा खैर, मैं दरअसल ये चाह रही थी कि आपका बेटा और मेरी बेटी। अच्छा जी, बात यह है कि चाय से आपने इनकार कर दिया है, मिठाई खाने से इनकार मत कीजिए। नहीं नहीं तो जा, नहीं नहीं, मिठाई आएगी जी, दिल पा ले आएगी, मिठाई आएगी, मिठाई आएगी। नहीं मुंह मीठा करके जाएंगे। बाजी ये देखिए, हल्का है रंग, बहुत है ना जोया। बहुत हल्का है। जामनी है, जामनी दिखाएं। जी बाजी जामनी है, लेकिन वो वापस सूट नहीं करेगा, इसलिए हल्का रंग दिखा रहा हूँ। सांवला रंग जामनी रंग में काला लगता है। हाँ मैं सांवली लगती हूँ तुम्हें, पागल दिमाग खराब। चल जो है, मैं नहीं ले रहा यहाँ से सामान। अरे एक एक, एक मिनट बाजी बैठे, मैं आपको दिखाता हूँ। देख रही है, अब मुंह फाड़ के बाजी भी कह रहा है, सन 80 के तो लगते हो आराम से। दिखाओ दूसरा। फरी मुझे बहुत प्यास लगी, तो ये पकड़, मैं पानी लेके आती हूँ। ये पीस है ना भाई, आप मेरे लिए काट लो, मुझ पे हर रंग सूट करता है। ये सॉरी एक ही पीस है, और आपके लिए तो टू शर्ट का कपड़ा चाहिए होगा। ये ले ना जी, ये ले नहीं ये शुक्रिया शुक्रिया। मैं ना दरअसल ज्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं, बेटी का मामला ना होता तो मैं चल के ना आती आपके यहाँ, पर भी आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे लोग हैं आप भी, आप भी, आप भी। मिलने जुलने से ही खानदान का पता चलता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर हम पैसों की भी बात तय कर ले ना, तो मैं बात पक्की समझू। पैसे खोते कह रहे खानदानी कुड़ी, आप लोग कर ले आपस में मशवरा, अपने बेटे से भी पूछ ले, लेकिन देखिए भाई आप जरा लिहाज रखिएगा, ज्यादा देने की हैसियत नहीं है मेरी। ज्यादा देने की देने की भाई जी इसकी बात कर रही है, शुक्र नहीं चाहिए। और मेरा तरह निकल गया, देने की बात नहीं चाहिए। फॉरगेट इट, लानत में हमें भी कर देख रही है।
माशाल्लाह अरे नहीं भरा पड़ा अंडा ही बात तो सुन नहीं पैसे भूल नहीं नहीं ये सुन अन्ने ले आप बात तो सुने ना ये तो ज्यादती है भाई देखें देखें फीस तो हक है ना उसका मतलब आप मुझे बता देना कि दो घंटे के कितनी फीस होगी फीस दो घंटे हाँ दो घंटे काफी होंगे अंग्रेजी और तारीख एफ ए की तारीख पढ़ा लेगा ना आपका बच्चा क्या कह रही तारीख क्या हुआ अंग्रेजी और तारीख तो आप बता दें कि महाना कितनी फीस होगी दो घंटे की मतलब दो घंटे की महाना ट्यूशन की कितनी फीस होगी ये पूछ रही हूँ 5,000 कौन सा जूस पियोगी ये तुम क्या पिछले 3 घंटे से हमारे पीछे लगे हो किसने देख लिया तो दिल के हाथों मजबूर हो ना जैसे तुम दिल के हाथों मजबूर होके आई हो अपनी सहेलियों को चकमा देकर मुझसे मिलने मैं तुम्हें भगाने आई हूँ खुदा का वास्ता है घर जाओ प्लीज तुमने चूड़ियाँ नहीं ली मैं दिलवा दूँ अपनी फिक्र करो कहीं हथकड़ियाँ ना लग जाए वो जो मुन्नी है ना उसे बहुत खुशफहमी है अपने बारे में कहीं उसे ये ना लगे कि तुम उसके पीछे पीछे लूट लूट फिर रहे हो सारे बाजार को इकट्ठा कर लेगी अरे तो उसकी गलतफहमी दूर कर दो बता दूं मैं तुम्हारे लिए बहुत शौक है मुझे बदनाम करने का खुदा की कसम नहीं यार बस रहा नहीं जाता इसलिए अभी चला जाऊंगा वादा वैसे मिलने का एक और रास्ता कुदरत खुद ब खुद बना रही है वो क्या सुबह को मम्मी कह रही थी कि के हाय अल्लाह देखो वो तीनों मुझे ही ढूंढ रही हैं जाना पड़ेगा जोया जोया पूरी बात तो बताती जाओ 5,000 पूरे 5,000 मांग लिए भाड़ समूह खोल के अल्लाह की मार है भाई अल्लाह की मार दो घंटे तो पढ़ाना है लालच देखो जरा उनकी क्या हुआ होना क्या है तेरी नालायकी और कूड़मगजी महंगी पड़ गई है मुझे गई थी मैं हसीना के किराएदारों से बात करने अपनी नाक नीची करके पर क्या हुआ पूरे 5,000 मांग लिए उन्होंने 5 दो घंटे पढ़ाना है मैं तो कह आई हूँ 2 घंटे के 2,000 बहुत हैं उससे एक आना ज्यादा नहीं दूंगी कुल भाई बहुत है 2 घंटे हैं अम्मी तो मतलब महीने के 60 घंटे बने अब 60 घंटे के 2,000 कौन देता है तो क्या 60,000 दे दूं बड़े खजाने जमा कर रखे हैं ना हमने यहाँ दीदा हवाई हो गए लोग मोहल्लेदारी का तो लिहाज ही नहीं रहा जाने कौन नमक डाल गया हमारे कुओं में है दिलों की मिठास ही खत्म है एक और ट्यूशन अब्बा मैं नहीं पढ़ा सकता प्लीज यार क्या हो गया तुझे वो हमारे मल्लेदार हैं वो बिचारी अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान है अगर तू पास करवा देगा उसकी बेटी को तो कौन सी क्यामत आ जाएगी अब्बा उसकी परेशानी का मैंने नहीं उठाया ठेका आगे ये एक ट्यूशन ने मेरे ना दिमाग के पुर्जे ढीले कर दिए मजीद नहीं सरखपाई कर सकता मैं बच्चों के साथ मैं ये भी छोड़ने की सोच रहा हूँ बहुत अच्छे भाई छोड़ दे ये भी छोड़ दे कभी आमदन बढ़ाने के बारे में ना सोचना घर आए रिज़्क को ठुकराते रहना और मुझसे कह रही थी कि जी मैं 2,000 रुपया दूंगी 2 घंटे का मैंने कहा नहीं भाई ये वारा नहीं खाता 5,000 रुपया मांगा मैंने चल 4 तक राजी हो जाएगी क्या फर्क पड़ता है यार 5 में भी मान गई तो मैंने नहीं करनी बस चाचा घर आए रिश्ते ठुकरा देता है और भतीजा रिजक ना शुक्र है बिल्कुल तो चाचू को कह देना वो पढ़ा देंगे बच्ची को ट्यूशन बात तो सही है हो तो सकता है ना सिंपल यार तुम बताए बगैर ही चली गई यार तब से सस्पेंस ही मरे जा रहा हूँ अब बताओ अब रहा क्या है बताने को वो तुम कह रही थी ना वो तुम कह रही थी ना हमारे हमारे मिलने का कोई रास्ता बन रहा है वो रास्ता तुमने खुद ही बंद कर दिया अपनी लालच से अरे मैंने क्या किया अब कौन सी लालच मैंने क्या किया 5,000 मांग के आयन हाँ हाँ मैंने जिंदगी में कभी किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाई तो आप पढ़ा लेना
अब इनकार ना कर, मैं जबान दे चुका हूँ। तो वापस ले ले। वैसे तो हम अपनी कोई चीज किसी को नहीं देते, तो जबान कैसे दे दी पाए? यार तेरा मसला क्या है? क्या हुआ तुझे? बीए पास किया हुआ है तूने, एफए की लड़की को नहीं पढ़ा सकता? और पैसे मैंने खुद नहीं रखने, तेरे ही काम आएंगे। तेरा वो इंश्योरेंस वाला धंधा तो चल नहीं रहा, तो यहीं से आने थे कुछ। बस अपना बोली, आगे से हट, आगे से हट, नमाज का टाइम हो रहा है, हट। भाईन, हट जा। भाईन, बात तो सुन ले। बस कर। क्या वो तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की बात हो रही थी? तो और क्या, और तुम्हें उसने पैसे बनाने की पड़ गई। अरे यार वो मैं नहीं, वो तो अब्बू, मैं सुबह ही बात करता हूँ। वो मुझे क्या पता था तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की बात हो रही है, मैं तो सुनते ही मना कर दिया। तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह ही बात करता हूँ। मैं तुम्हें तो मुफ्त पढ़ाने को तैयार हूँ मैं। अब ये मत करना, अम्मी को शक हो जाएगा। और जैसे मेरे अब्बू तो पढ़ाने देंगे मुझे मुफ्त में। दूध में पानी मिलाना बाजी जी काफिर ही होएगा। अच्छा काफिर भाई, 3 पाव दूध, 8 सेर पानी दे दो, टोटल 1.25 सेर मिक्सचर। सलाम पहन जी। हाय साहब। एक मिनट, जरा जरूरी टॉक करनी है जी। मैंने ना जी रात को बहुत गौर किया आपकी बात पे। 5,000 रुपया आपको ज्यादा लग रहा है ना, हालांकि अपनी जगह पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमजा जो है वो जरा महंगा आइटम है, बड़े पैसे खर्च किए हैं उसके ऊपर, 16-17 जमातें पास की हैं उसने। अच्छा भाई, निहार मुंह बहस करने का वक्त नहीं है, जरा दिन तो निकल लेने दो। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर आप चाहें तो मेरे पास एक सस्ता पैकेज भी है। सस्ता पैकेज? मेरा भाई लुकमान बीए पास है, ओनली 3,000 दो घंटे के लिए। जोया कहाँ? उसे कहिएगा शाम को घर पर ही रुके, फरी के साथ बाजारों की खाक छानने ना निकल जाए। पूरे 3,000 रुपए पे रखवाया मैंने ट्यूशन के लिए। मांगिया। और अम्मा तुम चकमा मत दे जाना, तुम्हारी जमानत पे मैंने घर में घुसने दिया है, जितनी देर वो ट्यूशन पढ़ाए ना साथ ही बैठी रहना। हाँ बैठी रहूंगी, चौकीदारी को जरा एतबार नहीं अपने बच्चे पे। अपनी बेटी पे एतबार है मुझे, जमाने पर नहीं। वो तो अच्छा है कि जवान लौंडा नहीं आ रहा पढ़ाने, उसका चचा आएगा, रंडवा है तो खतरा जरा कम है, लेकिन फिर भी नजर रखनी है उन पर। अरे हाँ रखूंगी, चील सी नजर रखूंगी दोनों पे। अच्छा अच्छा, बुर्ज जौजा और बुर्ज सुंबला। अच्छा अब्बा फिर मैं जा रहा हूँ, ऑफिस आ जाऊंगा जल्दी। अच्छा जी। वो क्या टाइम बताया था आपने? किस चीज का टाइम भाई? वही ट्यूशन का। अब आप इतना इशार कर रहे हैं तो मैं पढ़ा ही दूंगा, वैसे भी तालीम बांटना तो सवाब के काम है ना मेरा पुत्र। तेरे पास अभी सवाब कमाने के लिए बड़ा वक्त पड़ा है, ये सवाब जो है ना ये तो लुकमान को ही कमाने दे। है जी? हाँ जी। वो इतनी कंजूस औरत है यार, वो 3,000 रुपए के ऊपर एक धेला देने को तैयार नहीं है। अब मेरे पुत्र मैंने तुझ पे 1,00,000 रुपए खर्च किए हैं, तुझे इतना सस्ता बेच दूं? अब्बा लेकिन चाचू, चाचू ही 12 खाता है उन्हें बेटा, वो बीए में 3rd division पास हुआ हुआ है, वही 12 खाता है उन्हें, 3,000 रुपए में ऐसा ट्यूटर ही होना चाहिए। अब लड़की ने फेल नहीं भी होना तो हो जाएगी चाचू की वजह से, चाचू को तो खुद ट्यूशन की जरूरत है नहीं। तो कोई बात नहीं, 3,000 रुपए में लड़की को मेडल नहीं दिलवाने हैं हमने। बुजुर्गों ने कहा है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार। और बात सुन, तुझसे मैंने कहा था कि तूने पूरा हफ्ता गाढ़े रंग के कपड़े पहनने, तूने फिर सफेद कमीज पहन ली। अब पहनी तो भी है, ये
पहली बुरी खबर तो आपने सुना दी। क्या? नहीं, मैंने कहा सोच ले दोबारा, अगर कहेंगे तो मैं चला भी जा सकता हूँ। नहीं नहीं, तू जिधर जा रहा है उधर ही जा। बड़ा शौक है तुझे तलीमे देने का। हाय अल्लाह, 3 बज भी गए, 4:30 बजे आना है उसने पढ़ाने। मुझे भी पता है कौन सी पट्टियां पढ़ानी है उसने। क्या पहनूं? अच्छा सा तैयार होना है बस। अच्छा जी, चलाकियाँ, उल्लू बना रहे हो मुझे। ठीक है बच्चों, मैं भी कोई कम चलाक हूँ नहीं। कै बरस हुए रंडवा हुए? अब तो लगता है उम्र बीत गई। ए जोया, चला जा, उस्ताद इंतजार कर रहे हैं। जी नानी, आई बस 2 मिनट। देखो मियाँ, हमारे यहाँ का माहौल बहुत सख्त है। हम अपनी बच्चियों को 7 पर्दों में पालते हैं। ये तो इल्म हासिल करने की मजबूरी है जो उसे मदरसे कॉलेज भेजते हैं, लेकिन जमाने की हवा ना लगने दी हमने अपनी बच्ची को। दीदा हवाई नहीं है। अल्लाह माफ करे भाई, दूसरी कॉलेज जाने वाली बच्चियों की तो चटक मटक देखे कोई है। हमारी बच्ची को हार श्रृंगार से कोई सरोकार नहीं, ना गहना कभी पहना, ये सब चौंचले। तुम्हारी बच्चियों पे ना जचें। चल बैठ, आ गई है तो उस्ताद है तेरे। किताबें खोल और सलाम कर उस्ताद को। सलाम अलैकुम सर। कम्युनिकेशन की, दिस इज द फाइनल। मुझे बताया ही नहीं। हेलो, इतनी देर से आए हो तुम लोग? और किससे तैयार करना था मुझे? अच्छी लग रही हूँ ना? थैंक यू। तुम लोगों ने क्या की लगा रखी है? शगनों की गीत गाओ है, खुशी का मौका है। तुम लोगों की तो हंसी नहीं बंद हो रही। सलमान, और बिस्तरे लेकर आओ, चलो जल्दी से गाओ ना। अब गाना तो गाओ, आपकी शादी पे मैं खुद ही गाऊँ क्या? अरे मुझे क्या बता रही हो, ढोलक कहाँ है? हाँ सलमान से कहा था ना। सलमान, सलमान क्या है? तुम ढोलक क्यों नहीं लाए वो खारा दरवाली खाला के घर से? खुद ही लाओ ना, मैं क्यों लाऊं? हाँ ये क्या बात हुई, वो क्यों लाए भाई? प्लीज ले आओ ना, भाई नहीं हो दुल्हन हूँ ना मैं। या तो पहले ये दूल्हा बदलो या फिर उसका नाम।
फिर लेकर आऊंगा मैं। सलमान, अच्छा तुम लोग गाने तो शुरू करो, चलो शुरू करो। अरे जोया क्यों नहीं आई अभी तक? वही तो, आई नहीं अभी तक। हाँ जोया नहीं आई, अभी बुलाते हैं। गाना तो गाओ। वेट कर रहा है तुम्हारा ढोलकी पर, और मैं भी। करते रहो, इसी काबिल हो तुम। नाराज क्यों हो यार? अच्छा तुम्हें जैसे कुछ पता ही नहीं। एक काम नहीं तुमसे होता, अपने खड़ूस चाचू को भेज दिया और वो तो जैसे तरसे बैठे थे किसी को पढ़ाने के लिए, पौने चार घंटे बाढ़ तले, वो भी इतना सारा काम देकर। अब ये काम करूं या ढोलक पीटूं? कितना अच्छा आइडिया था मेरा, बगैर ढोलक के काम चल गया। लेकिन बगैर पाले वाली की ना कोई काम नहीं बनता। सिर्फ 6-7 दिन रह गए, कोई मिली? वही तो ना, अब क्या करें, मेरे जैसी कोई ब्यूटिशियन ही नहीं है यहाँ। अब बताओ अपनी शादी पे भी अपना मेकअप मैं खुद करूँ क्या? हाँ हाई, अब हमारा क्या होगा, हम तो हर इवेंट पे तुमसे मेकअप करवाते हैं, अब हम कैसे मेकअप करेंगे? देख रही हो सबको अपनी अपनी पड़ी है, दुल्हन की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। मैं ना अपनी भाभी से पूछती हूँ। देखो वलीमे वाले दिन तो तूने उसे तैयार किया था, लेकिन अपनी बारात वाले दिन वो मोहल्ले की किसी पार्लर वाली से सजी थी, उसका पूछूं? इसकी भाभी बारात वाले दिन बिल बतौड़ी लग रही थी। वो तो वलीमे पे मैंने आके मेकअप किया, वरना तुम्हारा भाई बारात के अगले दिन कह रहा था ये किसको मेरे गले डाल दिया है, मैं जा रहा हूँ, याद है ना? Yes. भाई दर्जी को दूसरी दर्जी की सिलाई और पार्लर वाली को दूसरी पार्लर वाली का काम कभी पसंद आया? हमजा आराम से, मैं देख रही हूँ फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, टूट गई ना तो टांगे तोड़ दूंगी मैं। और नहीं टूटता खाला, दो चार मजदूर ही मंगवा लेती हैं आप। तो तुम किस बात के भाई बने हुए हो मुस्टंडो? बहन बनाना महंगा पड़ गया। आराम से लेके जा पंखा। जी जी। चल भाई सलमान आ जा। नीचे आ। सोफा घसीट के नहीं लेके जाना, लकड़ी घिस जाएगी। अरे भाई मैं ये कह रहा था कि सामान इतने दिन पहले लाके घर में रखने की क्या जरूरत, सीधा लड़के वाले के घर भेज देती। नहीं नहीं मैंने सोचा कि जहेज पहले ही रख लेती हूँ, मैंने तो फरी का कमरा भी खाली कर दिया है, ये सोचा मेरे साथ चार दिन गुजार लेगी फिर चले ही जाना है उसने, और फिर बिरादरी ने आना है उनको जहेज दिखाऊंगी ना मैं। अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। अरे भाई हमजा बेटा, फरी बेटी का जहेज है, जरा आराम से उतारियो। हाँ ताऊ फिक्र ना करे, ये जरा इसको हाथ मारे बेड को। माहौल बिला कुवत इल्ला बिल्ला। अब असर की नमाज का टाइम हो गया, मैं पढ़ के अभी आता हूँ। नीचे लेके आओ इसको, क्या कर रहे हो तुम लोग? और तुम पंखा रख के वहां क्यों खड़े हो गए हो? सांस ले के देख के। शादी दूसरे घर में और मुसीबत मेरे लिए। जरा सा काम क्या कह दिया तुझे, तो मौत पड़ गई। देख बेटी की शादी में सबको हिस्सा देना पड़े बेटा। अब हसीना है, हसीना के मैके और ससुराल से टोलियां आवेंगी मेहमानों की, बिस्तर तो चाहिए होंगे ना सबको। ऐसे ही भिजवा देती ना, धूप लगवाने की क्या जरूरत थी। मतलब 2 घंटे लग गए मुझे स्टोर में से सब कुछ निकालते हुए। अम्मा अम्मा ये कंबल मैं ना भेजूंगी, ये मेरे जहेज का है। अच्छा क्या बता दिया, इसे परे कर। आए, मनहूस कंबल, इसका साया मैं ना लगने दूंगी फरी पे। आए, हर, परे कर उसे। अम्मा बंदर रोड से की माड़ी मेरी चली रघोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपा। चाचा गाना छोड़ दो यार, पहले चाय पिला दो, सर में बहुत दर्द है। भाई देखो ये तो पूरा ऑर्डर जो हसीना आप आका है उनके घर मेहमान आए मैं, भाई तुम लोगों को देता हूँ, बैठो सबर करो। अरे चाचा जल्दी चाय भेज दो यार। अरे सबर तो करो, अभी देता हूँ सबको भाई। अबे भाई घोड़ा गाड़ी, तेरे गाने की आवाज मेरी दुकान तक आ रही है।
और मैं वहां से चिल्ला रहा हूँ चाय दे दे यार सुबह सुबह का। अरे अहमद भाई आपकी आवाज आ रही थी, ये ऑर्डर जो है स्पेशल ऑर्डर है हसीना आपा का उनके मेहमानों के लिए, भाई इसके बाद आपको चाय भेजता हूँ। अरे बैठे हैं आप जा भाई, हसीना आपा का ऑर्डर है और मलिक साहब को तूने पहले चाय दे दी। मलिक साहब ओ भाई वो तो दूध लेकर आएंगे तो चाय बनेगी ना, वो तो बताना पहले दूध लाते हैं पहले उनको चाय मिलती है। बस ये भिजवा के ना भाई, पहले भेज दे, मैं आऊंगा नहीं आवाज दे दूंगा बस। ऐसा नाटक किधर खिसक रहा? वो हसीना खाली ने बुलाया था, काम है उन्हें कुछ। एक तो उसके काम ही खत्म नहीं होते, हर वक्त सुनाती है इतना खर्चा हो गया इतना खर्चा हो गया। ये नहीं कि 2000 का मुलाजिम ही रखे। नहीं जाऊं क्या? अरे नहीं भाई जाओ, पर काम खत्म करो और जल्दी वापस आओ, वहां ढोल पीटने ना बैठ जाना। जी 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 बाजी। गर्मी में जान अजाब कर रखी है। नहीं ये बहुत स्लो है, कुछ अच्छा सा गाएं फास्ट। कौन सा गाएं बताओ। ओ वो क्या गाना था? हाँ चलो किसको आता है, चलो शुरू करो ना। कर रही हो भाभी? सुबह शादी में पहनने के लिए कपड़े स्त्री कर रही हूँ, सुबह लाइट हो या ना हो तो बाहर करती ना, यहाँ सारा जहेज का सामान पड़ा हुआ है। अगर बाहर करूंगी तो फिर और लोग दे देंगे अपने कपड़े स्त्री करने के लिए। नहीं 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 इसको बंद करो, चलो चलो आओ। अच्छा रख, नहीं करनी यहाँ पे स्त्री, इतना महंगा सामान पड़ा हुआ है, जल्दी निकलो। मुन्नी रानी तुम लोगों ने जो डांस तैयार किया था वो करो ना, चलो ना जल्दी करो, उठो 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 उठो, प्लीज प्लीज करियो ना। चलो हम गाना शुरू करेंगे। हाँ। कोई अच्छा गाना।